हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मिस्टीरियस ब्यूटी। माय नेम इज अंशिका और आज है मदर्स डे। सो हैप्पी मदर्स डे टू ऑल द मदर्स आउट देयर। और आज मेरी मम्मी भी मेरे साथ हैं। सो आज मैं मम्मी का मेकओवर करने वाली हूँ। तो मम्मी हाय बोलो सबसे। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ गिव अ थम्स अप टू द वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मम्मी वीडियो ठीक है, हैप्पी मदर्स डे बोल रहा है ब्लू पर। अरे अरे देखा ना, बहुत प्यारा था इसको। अरे भाई हैप्पी मदर्स डे हो रहा है। हाँ क्या वो मम्मी को हैप्पी मदर्स डे बोला? कैसे पूरा सेंटर में अपना वो ले रहा है। दुनी हैप्पी मदर्स डे बोल दो मम्मी को। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ मम्मी के फेस पे ब्लू हेवन का रोज़ वाटर। उसके बाद लिया है मैंने बायोटिक का मॉइस्चराइज़र। और साथ ही साथ ना मैं मम्मी को बताती हुई जा रही थी कि कौन सा प्रोडक्ट कब यूज़ करते हैं, क्योंकि फिर एक मैं वीडियो बनाऊँगी जिसमें मम्मी मेरा मेकअप करेंगी, तो दैट विल बी अ वेरी फन वीडियो। तो उसके लिए भी स्टे ट्यून। और फिर मैंने प्राइमर लगाया था ब्लू हेवन का। फिर मैं लगा रही हूँ ब्लू हेवन का कंसीलर। सारे प्रोडक्ट्स मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, तो यू गाइस कैन चेक आउट। उसके बाद फिर मैंने आईब्रोज़ की है मम्मी की विद ब्लू हेवन की पेंसिल। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट आईब्रो पेंसिल है। एक साइड पे स्पूली होती है और एक साइड जो प्रोडक्ट है वो। फिर मैं मम्मी की आईब्रोज़ को क्लीन कर रही हूँ यूजिंग अ कंसीलर। जब मैंने वीडियो स्टार्ट की थी ना, तो आपने नोटिस किया होगा मैं मम्मी के लेफ़्ट साइड में बैठी थी, पर फिर मैं ना राइट साइड में आ गई क्योंकि मुझे उधर से मतलब मेकअप हो नहीं पा रहा था अच्छे से। तो अब मैं मम्मी के राइट साइड में बैठ के तब मैंने मेकअप स्टार्ट किया था। तो यहाँ पे फिर हम लोग पता नहीं किस बात पे हंस रहे थे, कोई तो बात होगी याद ही नहीं आ रहा। तो आज मैं ना दो फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ, एक है लैक्मे का फाउंडेशन और दूसरा है मेबेलिन का। तो मैंने पहले लैक्मे का फाउंडेशन अप्लाई कर लिया, उसके बाद ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। और बहुत ही अच्छे से ये फाउंडेशन ब्लेंड होता है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट फाउंडेशन है। और यहाँ पे हम मम्मी को डांट रहे थे पता नहीं क्यों। फिर मैंने यहाँ पे मेबेलिन फिट मी फाउंडेशन लिया है। उसके बाद मोर कवरेज के लिए मैंने इसे अप्लाई किया है, ये थोड़ा सा लाइट शेड है पर नो वरीज। फिर मैंने यहाँ पे लिया है कंसीलर, ये है एन वाई बे का कंसीलर, हाइलाइटिंग कंसीलर है ये। तो उसके बाद फिर मैंने मम्मी के फेस को कॉन्टूर किया है। फिर यहाँ पे मैंने ना ब्लू हेवन की लिपस्टिक ली है, इससे मैंने ब्लश अप्लाई किया है। ये बहुत ही सुंदर लगता है ऐसा ब्लश। तो सारे प्रोडक्ट्स को अच्छे से मैंने ब्यूटी ब्लेंडर से ब्लेंड कर दिया है। और बीच बीच में हम लोग कैसी गॉसिप कर रहे थे किसी बात पे। उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कॉन्टोर ब्लेंड कर रही थी और फिर हम लोगों को कोई बात याद आ गई तो हम लोग हंसने लगे थे। फिर मैंने फेस पाउडर मतलब कॉम्पैक्ट से मम्मी की अंडर आई सेट की है और पूरा फेस सेट कर दिया है। फिर मैंने ब्रश से जो भी एक्स्ट्रा प्रोडक्ट था डस्ट ऑफ कर दिया। देन मैंने लिया है ब्यूटी ग्लेस का पैलेट और इससे मैंने येल्लो शेड लिया है और मम्मी के कट क्रीज पे अप्लाई किया है। देन एक डार्क ग्रीन शेड लिया है जिसको मैंने आउटर कॉर्नर पे अप्लाई किया है और बहुत ही सुंदर आई मेकअप हुआ था मम्मी का। और मम्मी इतने आराम से बैठी थी, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं हो रही थी। और बहुत टाइम लगा था इस मेकअप को करने में, अराउंड 2 आवर्स तो लग गए थे, पर आराम से मम्मी ने पूरा मेकअप करवाया। और मैं मम्मी को बीच बीच में सिखा भी रही थी। और यहाँ पे मम्मी पुष्पा राज बन गई थी पता नहीं क्यों। अच्छा हाँ, फिर मैंने मम्मी से बोला था ना कि मम्मी आंखें तो नीचे करो, तो मम्मी बोल रही थी कि मैं झुकेगा नहीं साला। तो फिर यहाँ पे मैंने ग्लिटर लगाया है सिल्वर और ग्रीन ग्लिटर। फिर मैंने यहाँ पे ब्लू हेवन का आईलाइनर लिया है और एक पतला सा विंक क्रिएट कर रही हूँ। अब थोड़ा सा ग्रीन आई शेडो लेके मैंने मम्मी के लोअर लैश लाइन पे भी अप्लाई किया है, जिससे थोड़ी सी और आईज़ बड़ी लगने लगती है। देन मैंने आज ब्लैक काजल नहीं अप्लाई किया, आज मैंने अप्लाई किया है ग्रीन काजल, वो भी ब्लू हेवन का था। देन मैं स्विस ब्यूटी का मस्कारा अप्लाई कर रही हूँ।
और फिर हम लोग हंस रहे हैं किसी बात पे। देन हाँ, फिर मैंने ना पाउडर कॉन्टूर किया है। देन फिर मैंने लिया एस्विस ब्यूटी का हाइलाइटर, इससे मैंने मम्मी के फेस को हाइलाइट किया। देन ये है मार्स का लिप लाइनर, जो कि एक परफेक्टली रेड शेड है, बहुत सुंदर शेड है। अगर लिपस्टिक ना भी अप्लाई करनी हो ना, तो ये शेड बहुत ही प्यारा लगता है। देन फिर मैंने ली है ब्लू हेवन की लिपस्टिक, और ये शेड तो माय गॉड, दिस शेड इज़ सो सो ब्यूटीफुल। और मम्मी के फेस पे रेड बहुत अच्छा लगता है, तो हमने आज रेड लिपस्टिक चूज़ की। देन यहाँ पे मैंने छोटी सी बिंदी लगाई है, आई लैशेस लगाई, देन फाइनल लुक। कुछ बोलना है? प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। चलो ठीक है, बाय कर दो।